ये देखो यहाँ पे भूत पूजा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने रोड वोड बनाए थे, यहाँ पे मंत्र वंतर किए गए हैं। 25 किलो हमारे लिए हो जाएंगे और 75 बीस देंगे बस लॉर्ड। यहाँ पे देखो क्लासिक का डिब्बा है, भूत भी भाई ये मांगता है। देखो पकड़ लिया गाइस, ऐसे ही पकड़ लिया मैंने। अब आ मैं दया तो कह दे न्यारे मास दा दया की भाई हैं कह दे न्याते पर मैं यहाँ पे गिर गया वीडियो बनाने के चक्कर में और मुर्गा फर से वहाँ पे उड़ गया। आरएस की बोतल में मान जाता है, कोई मांगता है सफेद मुर्गा घर के आलो को दो थीसो अच्छा शिरोट में हाँ हस्ता से और चूल्हे मेरे को तो स्वाद हाथ में आ जाएगा जान और बाजार का खाओ तुम तो हड्डियों में लगेगी बीमारी ना पक्की बात से ये भाई दगड़ियों एक और नए वीडियो की स्टार्टिंग हो गई है तो शुरू करती है सुहेल। लो दगड़ियों प्रणाम पहला नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और प्यारी सी वीडियो में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे गांव ग्राम सभा कोटा से जहाँ से मैं आपके लिए अभी वीडियो बना रहा हूँ। बाकी दोस्तों अभी मेरी वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है ठीक अपने घर के गौशाले के नीचे से और अभी मैं गाँव से आ चुका हूँ। तो आजकल गांव में दोस्तों कामकाज कुछ ऐसा हो रखा है कि मिर्चियां उग चुकी है, तो दो पत्ती मिर्ची उग चुकी है। दो पत्ती बोलते जैसे ही अंकुर से बीज से निकलते हैं तो उन पे दो पत्ते निकलते हैं ना, तो वैसे ही छोटे छोटे निकल रखे हैं तो ये दो पत्तियां मिर्ची बोलते हैं उनको। तो उनकी गुड़ाई निलाई चल रही है आजकल और बाकी भाई दोस्तों आजकल सुबह सुबह ना गांव वाले सुबह 6:30 बजे बकरियां खोल देते हैं ये देखो यहाँ पे मस्त से, और सुबह चरने के बाद तो शाम को उसके बाद एक बार फिर खोलेंगे। चलिए भाई दोस्तों काफ़ी मशक्क़त के बाद हम पहुँच चुके हैं अपने गौशाले में और यहाँ देखो डोला महाराज, चलो डोला चलो 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 मोरे डोले। और माता श्री लगी पड़ी है अपने धंधों पर, घर के काम काज करने पर। वो देखो भूत पूजने जा रहे हैं वो, क्या है भूत पूजनी। ये देखो चैत का महीना लग रखा है तो मुर्गे खाने के बाहर हो रखे हैं भाई। वो देखो वहाँ पे भूत पूजने जा रहे हैं और डॉलर कैसे भूख रहा है उनके लिए। बाकी भाई दोस्तों अभी खाना पीना भी हो चुका है, नाश्ता पानी हो चुका है और अभी हमको ये जो हमारे आलू है ना तो इन आलुओं को पूरा निकालना है। तो अभी माता श्री थोड़ा कामकाज कर रही थी अपने, तो उस निपटने के बाद उसके बाद यहाँ पे कामकाज करने हैं, मतलब ये करना है हमको आलू निकाल देने हैं पूरे। तो बोला जाता है कि आप मतलब जितने आलू लगाओ ना तो उसके 3 गुना आलू निकलते हैं। 3 गुना बोलते जैसे 10 किलो लगा रखे हैं तो 30 किलो निकलेंगे ऐसा कहा जाता है। तो निकलते हैं नहीं निकलते हैं ऐसा तो कुछ कन्फर्म नहीं है, तो अभी निकाल के देखेंगे। और बाकी आजकल देखो प्याज भी हो चुके हैं, ये देखो ये बीज के प्याज हैं तो इस पर बीज होगा ना, तो इस बीज को फिर अगले साल के लिए रहने देंगे। और बाकी जो खाने वाले प्याज रहते हैं ना वो ऐसे वाले रहते हैं, तो आजकल इन पत्तों का ही सोलों का सब्जी बनाया जा रहा है आलूओं के साथ। तो गांव में जो चीज़ होती है ना तो उसी का मट मारा जाता है जब तक मतलब मुख ना लग जाए, मुख बोले तो जब तक बिल्कुल ऐसा नहीं हो जाए कि अब अति हो रहा है ये नहीं खाना है अब इसको, तो तब तक ऐसे ही बनाया जाता है। कभी गोभी के टाइम पे आलू गोभी, प्याज के टाइम पे आलू प्याज, कभी फिर प्याज ही प्याज। और फिर जब आलू हो जाएंगे ना तो थिचोनी, कभी उबाल के कभी काट के, ऐसे ही चलता है गांव में। और बाकी यहाँ पे देखो भाई दोस्तों हमारे खरगोश ना, तो खरगोश को अभी दूध दिया जा रहा है तो ये बिल्कुल अम्मा के पीछे पीछे ही लगा रहता है। जब तक इसको दूध ना मिले ना तब तक ये पीछे से ही लगा रहता है, देखो कैसे पी रहा है। दूध के मिला तो जिंदिया भंडार खुला तो फाड़ा हुआ था कर जाएगा हमको, जब निजाम हो के जामा वो उसको पता चल गया ना अब माँ नहीं है तो अब हमारी माता श्री उसकी माँ बनी पड़ी है। ये देखो जरा ये खटिया झाड़, खटिया झाड़ तिपत्या खटिया के बोल दिया खटू दे बस तो खाना खिल खामा ये दही का।
भाई दगड़ियों, आधा काम तो हो गया है, आधा नहीं पौना काम हो गया है, और इतनी थकावट लग रही है ना इसमें खींचते खींचते। और माता श्री चाय ले आई है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप चाय बना के ले आए। अब आम दया दयावान कूट कूटी भूल रखी दया। तो भाई दोस्तों, एक कट्टा आलू हमारे निकल चुकी है इतने एरिया में, यहाँ से लेके और यहाँ एरिया में पूरा भी एक कट्टा दो कट्टा और निकलेंगे, और इतना ये है और इतना इतना थोड़ा थोड़ा ये है। तो अभी देखते हैं कितना निकलता है, फिलहाल चाय पीते हैं। कड़कती धूप में भी चाय चल रही है हमारी, तो समझ सकते हो चाय के कितने बड़े दीवाने हैं। और प्याले देखो, हमारे प्याले कितने बड़े हैं। ये पाइप लगा। तो भाई दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ जंगल में, आलू आलू तो निकलते रहेंगे। तो अभी यार हवा कितनी तेज चल रही है, वॉइस में भाई थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं आएगी, तो क्षमा चाहते हैं उसके लिए। बाकी अभी मैं जंगल में आया हूँ क्योंकि प्रधान जी अभी जो सूर्य दिखाए थे ना मैंने, कि वो भूत पूज नहीं आए थे, तो प्रधान जी का कॉल आया था कि मुर्गी ले जाना भाई, मुर्गा ले जाना, सॉरी मुर्गा, मुर्गी नहीं मुर्गा। तो अभी यहीं उन्होंने भूत पूजा है, अच्छा यहीं पर पूजा है। तो देखो भाई, अभी भूत पूजा है और हम आ चुके हैं मुर्गे के लिए, तो मुर्गा यहीं कहीं होगा, उसको ढूंढना पड़ेगा भाई, क्योंकि उस पर मंत्र अंतर लगा रखे हैं ना। तो बाकी सामान तो यहाँ पे है, ये देखो इधर पूज रखा है भाई भूत यहाँ पे, और हम आ चुके हैं भूत का मुर्गा लेने। तो मुर्गा देखो सामने ही बैठा है, ये देखो हरिओम। ये देखो यहाँ पे भूत पूजा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने रोड वोड बनाए थे, यहाँ पे मंत्र वंतर किए गए हैं। तो अगर हम जंगल वाले रहते ना, मतलब जंगल आते किसके लिए, बकरी वकरी चलाने के लिए, तो पक्का यहाँ पे जो नारियल नहीं है, यहाँ पे नारियल रहता तो हमने खात्मा करना था नारियल का, पर नारियल नहीं है। बाकी यहाँ पे देखो क्लासिक का डिब्बा है, भूत भी भाई ये मांगता है, देखो भूत मांगता है ये क्लासिक, देख रहे हो 18 रुपए की सिगरेट मांगता है भूत, क्या कर रहे हैं ऐसे भूतों का, ठीक है। और बाकी यहाँ पे इनका सामान रहा, ये हमारा काम का नहीं है, हमारा काम का है तो सिर्फ ये मुर्गा, ये देखो ये मुर्गा है, आजा कूर कूर कूर, ये देखो। अब मैं इसको पकड़ूँ तो पकड़ूँ कैसे, क्योंकि मैं अकेला हूँ भाई, और मोबाइल पकड़ने के लिए कोई नहीं है, तो इसको ऐसे ही झपकाना पड़ेगा। तो मेरे को लग रहा है ये भाग भी जाएगा, आजा, वैसे तो नहीं भागेगा, अरे भैंस की पूंछ। पकड़ लिया गाइस, ऐसे ही पकड़ लिया मैंने, आजा भाई आजा, काट ना ले कहीं। चलो भाई, ये तो पकड़ लिया मैंने, ये देखो गाइस बहुत आसानी से हाथ पे आ गया, इसको ले जाना है। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि इसका ना चिकन पार्टी, मतलब किधर होगा, जंगल में ही पिकनिक में। अबे चुप हो जा, तो चलो अभी घर चलते हैं इसको लेके। वैसे तो भूत का पूजा हुआ घर में नहीं ले जाते, पर हमारा है वो गौशाला घर, एक्चुअली हमारा गांव में है, ठीक है, तो इसको उधर ही रखेंगे। शायद आज ही इसका अंतिम संस्कार होगा या फिर एक दो दिन बाद होगा, देखते हैं, वो समय पर निर्भर है इसकी ज़िंदगी कितनी जीनी है। क्यों मुर्गे, एक बार तू भी बोल दे, कोकोक कोकोक करना, कर ले कुक कुक कुक। चलो दोस्तों, भूत ना कई प्रकार के होते हैं, जैसे कोई तो मुर्गा, और ये देखो आरएस की बोतल में मान जाता है, कोई मांगता है सफ़ेद मुर्गा, कोई मांगता है काला खाड़ू, कोई बासने वाला मुर्गा मांगता है, कोई छोटे बच्चे में ही काम चल जाता है। तो ये वाला भूत थोड़ा सस्ता वाला था, तो ये एक मुर्गे में और एक आरएस की बोतल में मान गया। बाकी कई भूत रहते हैं जो नहीं मानते, और भूत ऐसे ही मतलब एक दूसरे पे स्विच करते रहते हैं, जैसे कि अभी किसी का भूत पूजा तो उनका मुर्गा हम ले आए, तो दो चार साल बाद मेरा भूत पूजा जाएगा,
फिर मेरे भूत पूजने में जो मुर्गा आएगा ना उसको कोई और ले जाएगा तो उस पर भूत जाएगा, तो ऐसे ही स्विच होते रहते हैं भाई, मतलब भूत अपने शरीर को चेंज करता रहता है अलग अलग प्राणी में स्वाद चखने के लिए। तो भाई दगड़ियों एक समस्या और आ गई है अभी, मैं यहाँ पे गिर गया वीडियो बनाने के चक्कर में और मुर्गा फर से वहाँ पे उड़ गया। अब इसको पकड़ू तो पकड़ू कैसे, ये देखो अब तो ये हाथ भी नहीं आने वाला अब पकड़ू कैसे इसको यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा अब कैसे पकड़ू इसको। आजा बेटे लालू, ए लालू आजा ले, कुर 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 आजा ले। अरे भाई भाग रहा है ये तो अरे भाई ये मेरे पहले पुआले बना देगा अब, ये दिक्कत और है भाई, अब पकड़ू कैसे इसको। चलो यार इसको पकड़ता हूँ पहले, उसके बाद मिलता हूँ आपको, ठीक है। फाइनली दोस्तों दोबारा से पकड़ लिया है मैंने इसको, साला बहुत उड़ा रहा था यार, इसने बहुत थका दिया यार। अब इसको सीधे इसके पैर बांधूंगा, पर रस्सी नहीं मिल रही है, इसको घर ही ले जाऊंगा अब सीधे, साले को ऐसे लगता था ऐसे ये देखो उड़ कबूतर उड़ उड़ जा और बाकी अभी दोस्तों देखो वहाँ से आया था मैं, वो नीचे से वहाँ से और वहाँ से इस साइड को, और यहाँ पे पूजा था ये भूत, तो अब इसको वापस से ले जाते हैं घर को। चल भैया, भाई तेरे बगैर ना हमारी पार्टी अधूरी है परसों की, आएगा ना तो पक्का, आएगा ना, आएगा भला आएगा, आएगा गाइस आएगा, तो आपके लिए डे कैंपिंग का जुगाड़ कर रहे हैं अभी, ठीक है आएगा ना पक्का भाई, हाँ आना ठीक है। बोल भाई नई चीज क्या आई है, अजीब ही लपलप आ रही है देखने दे। चलो भाई दोस्तों अभी पहुंच चुका हूँ घर पे और थोड़ा सा खाना खा लेते हैं क्योंकि टाइम एक बज चुका है अभी, और माता श्री तो खाने पे लग गई है, तो आज हमारे मेन्यू में है भाई कढ़ी चावल, तो काफी टाइम से कढ़ी चावल ही बने जा रहे हैं, हैं कढ़ी चावल में टर कर रहे हो तुम ताई भी और तुम भी, अभी तिल वाल चावल बने वो भी दयक, तो दयक। और बाकी भाई दोस्तों यहाँ देखो आलू इतने सारे निकल चुके हैं हमारे, तो अभी ये तो आधा ही है, और कितने निकलेंगे इतने और, तो मतलब फिलहाल आती ही माता श्री पता क्या बोल रही थी, बल उसके सिर में बल तीन जूते के मार दो, भी बाएं जूते के बल, ऐसा क्यों है तो भूतक तो मतलब तीन जूते मारी चल जा क्या सोची बुआ दिलिन दिलिन सोची बुआ की भूत आछु तीन जूते मार दे। देखो भाई ये होता है भाई, देखो अरे जो उसको दूध देता है ना उसी पे जा रहा है वो, उसको पता है मेरे को दूध यहीं से मिलेगा तो वो तेरे पास ही आ रहा है भाई यहाँ देखो जरा हेरा, इसको तीन टाइम पिलाना पड़ता है दूध ऐसे ही, खरगोश चार पांच दा एक एक गिलास दूध, खरगोश खरगोश ये कितनी बेचैनी हो रही है उसको। देखो इतनी बेचैनी हो रखी ना उसको, क्या बोले भाई। ये देखो दिन के टाइम एक बार दूध और दे दिया उसको, अभी थोड़ा तीन बजे के बाद देंगे, फिर शाम को जाते वक्त देंगे, और अम्मा के पास ही जा रहा है वो ज़्यादातर, हमारे पास तो आ ही नहीं रहा है। अरे एक ही सांस, अरे सांस भी ले ले चूचा, अरे सांस ले ले भाई देख रहे हो। चलो भाई दोस्तों अब टन मार के सो जाते हैं, अभी धूप बहुत तेज है तो अब सो जाते हैं और सीधे तीन बजे मिलेंगे आपको टी ब्रेक पे। बाकी दोस्तों यहाँ ना थोड़ा थोड़ा जब आग लगी थी ना तो उसके बाद बारिश हो गई थी, तो थोड़ा थोड़ा हरे हरे धुप्पे जो उग रखे हैं ना, तो बकरियां उन पे इतनी तेज तेज जा रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे खा के और फिर उधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, और ऊपर से आ गया मैं वहां से पूरा घूम घाम के और यहाँ को आ गया अब। तो यहाँ तो भाई दोस्तों अभी काम चालू ही है, मैंने तो सोचा पूरे निकल जाएंगे बट नहीं निकले, और ये देखो ऐसे आलू हो रखे हमारे कितने खतरनाक है ना,
बड़े बड़े। और अभी इतना सारा और बचा है तो इसमें एक कट्टा तो निकल ही जाएगा, और बाकी अंदर रख दिए हैं। और माता श्री लगी है भाई सुबह से खोदने पे। कद के बजे आई तुम पूर्ण में? ढह बजी, ढह बजे से 4:30 हो गए अब। दौलत तुम क्या देख रहे हो यहाँ, गिनती कर रहे हो क्या आलू की? तो जरा हम भी सहायता कर लेते हैं दोस्तों, तो इसको खोदने में पूरा खोद देते हैं, नहीं तो बचाने के बचा बचा के ना फिर ये काम हमारे ही सर पे आता है। पूरा पूरा खोद देते हैं इसको। हेलो दोस्तों नमस्कार गाइज, आलू ले लो, आलू बहुत सस्ते हैं, अभी खन रहे हैं, खनते गए सुबह से, कमर भी हो गई टेढ़ी। और लेने वाले तो पता नहीं कब तक आएंगे, ग्राहक सुबह से बैठी हूँ यहाँ पर टप्पर कट्टे लेके, कोई लेने वाला नहीं आ रहा। अरे ऐसा बार तरोज भी नहीं है, ऐसे ही दूंगा हाथ से उठा उठा के, पर कोई आए तो ग्राहक, मक्खी लग गए सुबह से यहाँ पे मेरे पे। कितने रुपए किलो दोगे तब? सस्ते हैं पर आए कोई ग्राहक तभी तो उसका किलो हिसाब होगा। अब चलो जैसे मैं ग्राहक हुआ तो मैं आलू लेने आया हूँ, तो आंटी आलू कितने के दे रहे हो? ये है 25 रुपए किलो। थोड़ा सस्ता कर दो, इसमें तो कीड़ों ने भी खा रखे हैं ये, थोड़ा इनको अलग कर देंगे ना, तो थोड़ा बहुत किए हैं उनको अलग कर देंगे, उनके शाम को साफ सब्जी लगाएंगे। तो इन पे तो छिगल भी नहीं है ना आंटी, इनको इनको थोड़ा अच्छे अच्छे थोड़ा 20 रुपए लगा दो। ये घर के आलू है ना, इन पे छिकल नहीं रहते हैं। अच्छा गीजियो हो बाजार के खाने आलू, तो ये तो घर के है, इसमें प्रोटीन है। तो इसमें तो ना ये तो छिगल भी नहीं है, और आलू तो आलू है, वो घर के हो उधर के हो। घर के आलू में यार बाजार के आलू में बहुत अंतर है बेटा। ना ना तो आंटी ये 20 रुपए के लगा रहे हो तो तब ले रहा हूँ मैं, 4 किलो ले दूंगा, 5 किलो। पालतू जानवर और जंगल का जानवर कैसा होगा, तो दोनों एक ही। घर के आलू को दो थीसो। अच्छा शिरोट में थस थस। और चूल्हे मेरे को तो स्वाद हड्डी में आ जाएगा जान, और बाजार का खाओ तुम तो हड्डियों में लगेगी बीमारी। पक्की बात से, और घर बाजार का सामान खा के खाद वाल बन के सब हॉस्पिटल वाला, तो वही में तो गटर को भी मिलेंगे मूल, तो तब तो मिक्स हो जाते हैं, तब तो मिक्स हो जाते घर आता जो गोर बकरो मोल मिल धर्म हो। तो ये में कुछ और प्रोटीन तो नहीं डाले घर में? और प्रोटीन है पर वो निरन फ्री निरन। तो त्यार डॉलर बितान चाहे महागणे गणे? तो मैं डॉलर तो ये कुन्या हाँ, वो तो फुल मर्च मागो, तो मर्च को कौशा जरा बड़ा बड़ा वाला लंबा लंबा वाला। चलो तो तुम चाय बनाओ तब है, ठीक तब है, मिल तब बाद में। अब उठी नहीं मैं सुबह में बैठू, मैं मकई कोई नहीं हमारा घर आगे अभी से उठ नहीं। ठीक तो तुम जाओ तब। हाँ ठीक ठीक है, इसको ले जाओ सब, 500 रुपए दे देना। ठीक है ठीक है, तो इतने बिदर भी रखे हैं तुमने बोले? दुई कट्टा दे रही बिदर। अच्छा चलो, तो भाई दोस्तों माँ के द्वारा चाय भी बनाई गई है, तो थोड़ा थोड़ा चाय सुलगा लेते हैं। और बाकी भाई सूर्यास्त होने का टाइम भी हो चुका है, तो 5:30 हो गए है टाइम। अब धीरे धीरे देखो यहाँ से धूप कम होते जा रही है, और इस साइड को जाएगी और यहाँ से लापता हो जाएगी, और सूर्यदेव वहाँ से चले जाएंगे अपने घर में, और हम भी चलते हैं अब अपने घर में। तो थोड़ा सा काम बचा हुआ है अभी भी, तो इस काम को अंजाम देते हैं। तो यार बड़ी कमर दर्द हो रही है इसमें भाई साहब, ये देखो उस टाइम से मैंने 2-3 ही लाइनें खोदी है, अभी इतना निकला उसमें से 2-3 लाइनों में से, और इस अभी और खोदना है, इसके बाद निकलते हैं घर को। यार कमर दर्द ऐसी हो गई ना आज खतरनाक तरीके से। चलो भाई दोस्तों अभी खाना पीना हो गया है, और हम आ चुके हैं अपने लंब बिस्तरी में, बोले तो बिस्तरी में, ठीक है अभी सोने की तैयारी। और माता श्री के द्वारा मेरे को एक केला दिया गया है जो एक हफ्ते पहले डाले थे ना, 15-16 केले पकाने के लिए, तो वो भी पक चुके हैं, तो एक हमारे बट में भी आ चुका है, मतलब हमारे हिस्से में आ चुका है,
तो इसको खा के सो जाएंगे और फिर सुबह रनिंग चलेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो, तो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप नए हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।